पीड़िता द्वारा अपने ही बेटे पर गुंडों से पिटवाने का घोर कलयुगी मामला सामने आया है। गुंडों के साथ पहचान और स्थान बताने के लिए पिता ने बकायदा दो भतीजे भी भेजे थे। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे का है, जहां पिता पुत्र के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा है। पिता ने ही गुंडों को भेजकर बुधवार की शाम अपने बेटे दुकान में बलात् घुसकर पिटाई करवा दी है। अचानक हुए हमले के दौरान गुंडों से बचाने आई पत्नी और बेटी के साथ भी मारपीट कर दी गई। बताया जाता है कि गुंडे के साथ पहचान और स्थान बताने के लिए पिता ने अपने दो भतीजों को भी भेजा था। मारपीट के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कोलारस थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी पीड़ित अनिल कुशवाहा ने दी। क्या नाम है आपका? अनिल कुशवाहा। आप पर जो कुछ लोगों ने आज हमला किया है, कौन लोग थे ये? वो एक चाचा का लड़का था, एक बुआ का और चार पांच कुछ अन्य थे उसके साथ में। तो क्यों किया हमला? क्या कोई बात हो गई थी क्या? एक मकान का विवाद चल रहा है पिताजी से। किसके? आपके पिताजी से? हाँ जी। तो उनके ही पक्ष में आए थे वो लोग। अच्छा। हाँ, मतलब आपके पिताजी से विवाद चल रहा है ये मकान का। हाँ, तो उन्हीं के पक्ष में आए थे? उन्हीं के पक्ष में आए थे, उन्होंने ही भिजवाया है। अच्छा। हाँ, तो पिताजी कहाँ रहते हैं? यानी रहते आपके साथ? अभी अशोक नगर रहते हैं। अच्छा। बहन के पास है। तो कौन लोग थे वो? उन्हें आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं ने भेजा था? जानते हैं क्या आप? हाँ, पहले भी धमकी दे चुके हैं ये लोग। अच्छा। हाँ। तो क्या नाम था, आप पहचानते हैं उनको? हाँ, मैं जानता हूँ। एक मनीष था, एक संदीप, एक संजय और चार पांच कुछ अन्य थे जो मुंह पे वो कपड़ा बांधे थे। तो आकर सीधी मारपीट करने लगे? सीधी मारपीट कर। मैं तो दुकान में बैठा था, अचानक आ गए पाँच छह लोग। कितने बजे की बात होगी ये? करीब पौने छह बजे की बात है, शाम को। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी इस बात? मैंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई थी क्या? पुलिस नहीं आई। अच्छा।